मेरिट्स के बाद अब हम करेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। पहले हमने क्या पढ़े? फायदे। अब हम करेंगे बुराइयां। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है अच्छा, तो दूसरा पहलू होता है बुरा। ठीक है, तो अब तुम अगला सब हेडिंग डाल सकते हो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स के बारे में। स्मॉल ए करके लिखो पहला डीमेरिट। डीमेरिट मतलब तकलीफ। मुझे एक बात बताओ, इस मेथड का इस्तेमाल टीवी वाले करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल न्यूज़पेपर वाले करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल रेडियो पर किया जाता है। कई बार तुमने देखा होगा इतनी सी न्यूज़ होती है और कितना बड़ा चढ़ा देते हैं, जरा सी बात होती है और बात का पतंगड़ बना देते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब न्यूज़ अगर तुम्हें मिल रही है टीवी पर या फिर तुम्हें न्यूज़ मिल रही है न्यूज़पेपर में, वो कितनी ज्यादा सच है और कितनी झूठ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तो जरा सी बात होती है और इतना फैला देते हैं उस बात के बारे में कि पता नहीं क्या हो गया हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ गड़बड़ घोटाला। इस वाले मेथड से जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके लोगों तक जो जानकारी दी जा रही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जानकारी पूरी तरह से क्या होती है, सही होती है। क्या इस बात की 100% गारंटी है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो नंबर ए में पहली दिक्कत यही है, पर्सनल बायस। इसे शब्द का मतलब मैंने पहले भी बताया था, पर्सनल बायस का। बायस का मतलब होता है गड़बड़ घोटाला। मुझे एक बात बताओ, आज के समय में जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं, सोच समझ कर जवाब देना, आज के टाइम में जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं, क्या वो न्यूज चैनल बिल्कुल सही न्यूज देते हैं? नहीं। क्या वो न्यूज बिल्कुल ओरिजिनल होती है? नहीं। न्यूज वो बताई जाती है जिसके आधार पर आगे का काम चलेगा। न्यूज के अंदर सारी बातें अगर बिल्कुल सही सही बताई जाने लगी तो फिर तो बात ही काहे की है। ठीक है, तो न्यूज चैनल के अंदर आधे से ज्यादा न्यूज ऐसी होती है जो फालतू की होती है और वेस्ट होती है और गलत होती है, मतलब कि उसके अंदर गड़बड़ है और 100% गड़बड़ है। एक एग्जाम्पल देता हूं, तुमने देखा कि खाने के अंदर आटे का इस्तेमाल हो रहा है, रोटी बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? आटे का। अब किसी कंपनी ने आटा बनाया और आटे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिली। उस कंपनी के द्वारा जो आटा तैयार किया जाता है, उस आटे के अंदर थोड़ी बहुत क्या मिली? प्रॉब्लम मिली, और वो प्रॉब्लम उस कंपनी ने ठीक कर दी। देखो, जब किसी आटे में दिक्कत है तो कंपनी का फर्ज बनता है कि आटे में जो समस्या है उसको ठीक किया जाए, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो, ताकि कस्टमर की सेहत पर कोई दिक्कत ना आए, तो कंपनी ने ठीक करा। लेकिन न्यूज वालों ने इस न्यूज को इतना फैला दिया कि कंपनी ही बंद हो गई। समझ रहे हो ना इस चीज को? करते हैं न्यूज़पेपर वाले ऐसा? बिल्कुल करते हैं। छोटी सी बात को इतना ज्यादा कर देते हैं फेमस, हद से ज्यादा। तो ये होती है कुछ गड़बड़ घोटाले। और कई कभी तो सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई ही नहीं जाती है, कभी कभी तो गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो लिखो पर्सनल बायस में, इन दिस मैथड, पर्सनल बायस, इन दिस मैथड पर्सनल बायस एग्जिस्ट, इन दिस मैथड पर्सनल बायस एग्जिस्ट। बी लिखो लेस लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट का मतलब होता है, कहते नहीं है जो भी काम करो एक्यूरेट होकर करो। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही। काम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए, जरा सी भी उसमें गलती ना हो। काम हमेशा कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बात बोली कि कहीं पर है ना छोटी सी बात चल रही थी और उसको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में, इतनी ज्यादा न्यूज फैला दी हद से ज्यादा। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं है। तुमने एक एक्टर का नाम सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत। उसने ना सुसाइड करी थी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं भी किसके आधार पर बोल रहा हूँ? न्यूज के आधार पर बोल रहा हूँ भाई। मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर गया थोड़ी ना था कि क्या करा उसने, सुसाइड करी या किसी ने उसको मारा। मैं भी किसके आधार पर बोल रहा हूँ? न्यूज के आधार पर। तो मान लो कि उसने सुसाइड करी थी, तो मुझे बताओ जब उसकी ये न्यूज चली थी टीवी पर, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसने देखा हो, तो उसने कितना कुछ देखा इसके बारे में। कभी कहते हैं सुसाइड करी थी, कभी कहते हैं कि पहले गला घोटा था, कभी कहते हैं कि उसको ड्रग्स दिए गए थे, कभी कहते हैं कुछ और कभी कहते हैं कुछ। तो क्या तुम्हें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कोई एक्यूरेट बात पता चल पाई? एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्टली।
वास्तव में क्या हुआ था, क्या तुम्हें पता चल पाया? नहीं पता चल पाया। रियल में हुआ क्या है यही नहीं पता चल पाता। इस इंफॉर्मेशन से हमें यही नहीं पता चल पा रहा कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या गलत सलत है। कंफ्यूज्ड हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक न्यूज चैनल कुछ और बात कहता है, दूसरा न्यूज चैनल कुछ और बात कहता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो डाटा हमेशा कैसे मिलते हैं, इस वाले डाटा जो यहां पर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, लेस एक्यूरेट। तो लिखो द डाटा इन दिस मेथड, द डाटा इन दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट, द डाटा इन दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। तो वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, उनमें एक्यूरेसी नाम की चीज है ही नहीं। तीसरा फीचर देखते हैं, कई बार तो क्या होता है इंफॉर्मेशन मिलने में इतनी देरी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी दूसरे स्टेट में पिछले 2 दिन से क्या हो रही है, रेन, बारिश हो रही है। किसी स्टेट में पिछले 2 दिन से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन उन 2 दिन की न्यूज अभी तक टीवी पर दिखाई ही नहीं जा रही। क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाने वाले जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो ही धीरे काम कर रहे हैं। कई बार तो इंफॉर्मेशन मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि इंफॉर्मेशन कैसी हो जाती है, पुरानी। मुझे बताओ कैसे न्यूज देखना पसंद करते हो, ताजा खबरें या बासी खबरें? हर एक कस्टमर किस तरह की न्यूज देखना पसंद करता है? कहते नहीं है आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। तो हर व्यक्ति किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, ताजा खबरों में, ना कि बासी खबरों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खबर मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि वो खबर क्या हो जाती है, पुरानी, और पुरानी खबरें देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर न्यूज चैनल ये काम करता है कि लेट देता है न्यूज, बल्कि सच बताऊं तो आज के जमाने में तो न्यूज चैनल बहुत फास्ट हो गए हैं। और न्यूज चैनल छोड़ो, इंटरनेट कितना फास्ट हो गया है ना, लेकिन हाँ कभी कभी न्यूज मिलने में देरी हो जाती है। तो तीसरी प्रॉब्लम लिखो, डिले इन, डिले का मतलब होता है देरी हो जाना। तो लिखो डिले इन कलेक्शन, डिले इन कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन? न्यूज का। न्यूज का कलेक्शन करने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, और ये इस मेथड की प्रॉब्लम है। तो लिखो इन दिस मेथड डिले इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दिस मेथड डिले इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी तो होती है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इकट्ठी होने में। चौथा मेथड है हमारे पास डी, इंफॉर्मेशन थ्रू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। देखो क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल मैंने नीचे लिखा है, इसको शेड्यूल बोलते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हैं, शेड्यूल। लेकिन इसको शेड्यूल तो बोलो ही बोलो क्योंकि तुमने वही सुना है शेड्यूल, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है स्केड्यूल। क्या होती है? स्केड्यूल। चलो खैर ये मैटर नहीं करता तुम क्या बोलते हो, शेड्यूल बोलते हो या स्केड्यूल बोलते हो, काम की बात सुनो। क्वेश्चनर्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चनर्स, और इसको पढ़ते हैं हम शेड्यूल या स्केड्यूल। तो ये जो स्केड्यूल मैंने नीचे लिख दिया है ना, तुम लोग इसको यहां पर भी लिख सकते हो एंड के बाद। मैंने तो नीचे इसलिए लिख दिया कि शायद वीडियो में वहां तक आ ना पाए, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। वैसे आ जाता, सही बात है, आ जाता, कोई बात नहीं, चलो मैंने नीचे लिख दिया। अब यहां पर है ना 2 नए शब्द आ गए। देखो इस पूरे मेथड को समझने से पहले अगर तुम इस मेथड को समझना चाहते हो तो तुम इस मेथड को समझने से पहले इन 2 शब्दों को समझने की कोशिश करो कि इन 2 शब्दों का क्या मतलब है, क्वेश्चनर का क्या मतलब है और शेड्यूल का क्या मतलब होता है, क्वेश्चनर का क्या मतलब होता है और शेड्यूल का क्या मतलब होता है। देखो क्वेश्चनर को समझने के लिए या शेड्यूल को समझने के लिए ज्यादा परेशान मत हो, केवल एक चीज को समझ लो, दूसरी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। कौन सी चीज को समझ लो? क्वेश्चनर को। मुझे बताओ तुम लोगों से घर घर जाकर क्या लेना चाहते हो, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तुम डाटा को क्या करना चाहते हो, डाटा को कलेक्ट करना चाहते हो, और डाटा को कलेक्ट करने के लिए तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों से सवाल पूछने पड़ेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो तुमने ना स्कूल में कई बार पेपर दिए हैं, क्या दिए हैं, पेपर, और पेपर के लिए तुम्हें एग्जाम में क्या मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पेपर।
और इस क्वेश्चन पेपर में क्या लिखे हुए होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 डैश डैश डैश, इस तरह से उसमें क्या लिखे हुए होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, और तुम इन क्वेश्चनों के क्या लिखते हो, इसके अंदर जवाब लिखते हो। मुझे बताओ इस क्वेश्चन पेपर को तुम क्या खाली छोड़कर आ जाते हो, इतने नालायक तो हो नहीं, दिखते हो लेकिन हो नहीं, ठीक है, या फिर हो भी सकता है। तो देखो जब इस क्वेश्चन पेपर को एक स्टूडेंट पेपर में सॉल्व करता है तब इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर पता है कौन तैयार करेगा, जिसे डाटा इकट्ठा करना है, समझ में आई बात, इस क्वेश्चन पेपर को कौन तैयार कर रहा है, जिसे डाटा इकट्ठा करना है, और इसी क्वेश्चन पेपर को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोल दिया जाता है, क्वेश्चनेयर बोल दिया जाता है। मतलब कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं, तुम कौन सी कंपनी में नौकरी करते हो, कितने साल से नौकरी कर रहे हो, घर पर कितने बच्चे हैं, महीने में कितनी सैलरी, महीने में कितनी फीस देनी पड़ती है, तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तुम पहले कहां पर रहते थे, यहां पर कितने सालों से रह रहे हो, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन को जिसके अंदर लिख दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चनेयर। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है ना, तुम्हें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की क्या देने होते हैं, जवाब देने होते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और तुम्हें उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने होते हैं, क्या करने होते हैं, जवाब ढूंढने होते हैं। देखो अब है ना, उसने क्या करा, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया, जो जो सवाल पूछने थे उस बंदे ने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया, और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे क्वेश्चन पेपर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वेश्चनेयर, उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चनेयर बोलेंगे। अब देखना यह है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जवाब कौन देगा। देखो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तुम्हारे पापा कितनी सैलरी कमाते हैं, तुम्हारे पापा कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, तुम्हारे घर में कितने भाई बहन हैं, तुम कितने सालों से रह रहे हो, समझ रहे हो, और तुम्हारी एज कितनी है, मैं ये सारी जानकारी तुम्हारे पापा के बारे में जानना चाहता हूं, ठीक है, तो बताओ मैं इस क्वेश्चन पेपर को कहां पर पहुंचाऊंगा, तुम्हारे पापा तक पहुंचाऊंगा। अब पापा तक पहुंचाने के दो तरीके आजकल की दुनिया में क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है। तो यहां पर इसका पहला मेथड बन गया मेलिंग मेथड। क्वेश्चन पेपर को तुमने उसके घर नहीं लेकर गए, क्यों नहीं लेकर गए उसके घर, उसके घर तुम इसलिए नहीं लेकर गए, धूप हो रही थी, तुम इसलिए नहीं लेकर गए उसके घर क्योंकि बहुत दूर था घर, तुम उसके घर इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि बारिश हो रही थी, तुम इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि इतना दूर कौन चले, समझ रहे हो इस चीज को। तो तुमने वो क्वेश्चन पेपर क्या करा, तुमने वो क्वेश्चन पेपर या मैंने वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पापा को मेल कर दिया, क्या कर दिया, मैंने मेल कर दिया, कैसा मेथड कहलाएगा, मेलिंग मेथड। मुझे बताओ क्वेश्चन पेपर को मैं खुद नहीं लेकर गया, मैंने वो क्वेश्चन पेपर क्या कर दिया, मेल कर दिया, और जब मैंने मेल कर दिया और तुम्हारे पापा को वो मेल मिल गया, तो बताओ कुछ समय बाद तुम्हारे पापा क्या उन क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। बताओ एक जिम्मेदार नागरिक को, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्वेश्चन पेपर का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मेल कर दिया, ठीक है। अब दूसरी तरीका बताओ, मैंने मेल कर दिया लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने सोचा कि छोड़ हटा क्या मेल करूंगा, पास में ही तो है, ले जाता हूं। तुम्हारे मोहल्ले में 10 परिवार के पास जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं मेल नहीं कर रहा, मैं एक मेहनती इंसान हूं, मैं घर घर जाऊंगा, जाकर उनसे पूछूंगा और लिखूंगा, पूछूंगा लिखूंगा, ये क्वेश्चन पेपर मैं खुद ही करके ले आऊंगा, लेकिन पूछूंगा उनसे, पूछूंगा किनसे, पूछूंगा सामने वाले लोगों से, तभी तो भरूंगा, अपनी मर्जी से भर सकता हूं, ठीक है। तो जब कोई बंदा वहां पर जाता है तो जाने वाले बंदे को बोला जाता है इन्यूमरेटर, क्या बोला जाता है, इन्यूमरेटर, और इस मेथड को बोला जाता है इन्यूमरेटर्स मेथड। इस मेथड को क्या बोला जाता है, इन्यूमरेटर्स मेथड। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पेपर मैं नहीं लेकर गया, मैंने मेल कर दिया, मेल कर दिया मेलिंग मेथड, और क्वेश्चन पेपर मैं लेकर गया, अगर मैं लेकर जा रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं हूं इन्यूमरेटर, और ये मेथड क्या कहलाता है, इन्यूमरेटर्स मेथड। और ध्यान से सुनो, जब कोई व्यक्ति उस क्वेश्चन पेपर को साथ में लेकर जाता है ना, तो वो क्वेश्चनेयर नहीं कहलाता है, फिर उसका नाम हो जाता है स्केड्यूल। समझ में आया कि कब बोलते हैं स्केड्यूल। मुझे एक बात बताओ कि क्या क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चनेयर तब बोलेंगे जब तुमने मेल करा है,
और वही क्वेश्चनर उठाकर अगर तुम लेकर जा रहे हो उसके घर पर, तो वही क्वेश्चनर किसमें बदल जाएगा, शेड्यूल में बदल जाएगा। उसी क्वेश्चनर को तुम क्या बोलोगे, उसी क्वेश्चनर को तुम बोलोगे शेड्यूल। मुझे बताओ, क्वेश्चन पेपर को तुम खुद ना लेकर गए, तुमने क्या कर दिया, मेल कर दिया, तब तक तो वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चनर। लेकिन अगर तुम हाथ में लेकर चले गए उसके घर पर, उससे पूछते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, तो तुम क्या हो, तुम इन्यूमरेटर हो। और ये कौन सा मेथड है, इन्यूमरेटर मेथड है। और जिस चीज में तुम लिख रहे हो, अब वो चीज क्वेश्चनर कहलाएगी या शेड्यूल कहलाएगी। अब उसी चीज को तुम्हें क्या बोलना है, शेड्यूल। तो देखो चीज में फर्क नहीं है, चीज बिल्कुल वही है, इक्वल टू। क्वेश्चनर बराबर होता है शेड्यूल के, फर्क है मेथड का। अगर तुम खुद लेकर जाओगे तो शेड्यूल कहलाएगा, और अगर मेल कर दोगे तो क्वेश्चनर कहलाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो तुमने हेडिंग डाला है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, है ना, ये हेडिंग तुमने डाल रखा है। अब इसी हेडिंग के आगे एक्सप्लेन करेंगे, कोलन का साइन लगाकर लिखो, इस तरह से कोलन का साइन लगाओ और उसके आगे लिखो, लिखो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर मेक्स क्वेश्चनर्स, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर मेक्स क्वेश्चनर्स, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। अच्छा, क्वेश्चनर में एक स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना, मेरे ध्यान नहीं रहा, बीच में ये जो एन लिखा हुआ है ना, डबल एन आता है, मतलब दो बार एन आएगा। क्वेश्चनर्स, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेटर मेक्स क्वेश्चनर। तो पहले इन्वेस्टिगेटर को क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर। टीचर अगर तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है, टीचर अगर तुम्हारा पेपर लेना चाहता है, तो पहले उसे क्या तैयार करना पड़ेगा, पेपर तैयार करना पड़ेगा, तभी ले सकता है। इन्वेस्टिगेटर मेक्स क्वेश्चनर, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, मुझे बताओ, जब ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन पेपर को तुम या तो उस व्यक्ति को क्या कर दोगे, मेल कर दोगे, दैट इज कॉल्ड मेलिंग मेथड। या फिर तुम इस क्वेश्चन पेपर को ना मेल नहीं करोगे, इस क्वेश्चन पेपर को किसी के हाथ भिजवाओगे, और जिस व्यक्ति के हाथ भिजवाओगे उस व्यक्ति को बोला जाता है इन्यूमरेटर। क्या बोला जाता है, इन्यूमरेटर। ये उस व्यक्ति की पोस्ट होती है, ये उस व्यक्ति की क्या होती है, पोजिशन होती है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, इन्यूमरेटर। और इसलिए इस मेथड का नाम क्या होता है, इन्यूमरेटर मेथड। जब तुम उस न्यूज़पेपर को, उस क्वेश्चन पेपर को मेल करोगे तो मेलिंग मेथड, और ये व्यक्ति लेकर जाएगा तो इन्यूमरेटर मेथड, ठीक है। तो इसी के नीचे स्मॉल ए करके लिखो, स्मॉल ए में मेलिंग मेथड। पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, मेलिंग मेथड पढ़ेंगे। तो स्मॉल ए में लिखो मेलिंग मेथड, मेलिंग मेथड लिखो, मेलिंग मेथड में। इन दिस मेथड क्वेश्चनर्स, इन दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर, इन दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड, क्वेश्चनर्स को क्या किया जाता है, मेल किया जाता है, आर मेल्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है मेल्ड, आर मेल्ड टू द, किसके पास, टू द इन्फोमेंट्स, जिस व्यक्ति से जानकारी लेनी होती है ना। अगर मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पापा के बारे में, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पापा की इनकम के बारे में, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पापा की एज के बारे में, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पापा की इनकम के बारे में, मतलब मैं सारी जानकारी तुम्हारे पापा के बारे में लेना चाहता हूं, तो तुम्हारे पापा क्या कहलाएंगे, इन्फोमेंट्स। तो बताओ ये क्वेश्चन पेपर मैं किसको मेल करूंगा, तुम्हारे पापा को, समझ में आई बात। तो तुम्हारे पापा जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं, और मैं जानकारी लेने वाला व्यक्ति हूं। एक व्यक्ति होता है जानकारी देने वाला, और एक व्यक्ति होता है जानकारी लेने वाला। मुझे जानकारी लेनी है, लेकिन देनी किसको है, तुम्हारे पापा को, तो तुम्हारे पापा इन्फॉर्मेंट्स कहलाएंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, इन दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि मुझे क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल, विद द पर्पस ऑफ, विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, फुल स्टॉप लगा दो, विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो द इन्फोमेंट। तो बताओ जब तुम्हारे पापा को, जब तुम्हारे पापा को ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्या वो इस क्वेश्चन पेपर को रख लेंगे, या फिर उसमें आंसर लिखकर मुझे वापस भेजेंगे,
उसमें आंसर लिखने के बाद मुझको वापिस मेल करेंगे, मेल करना होता है। बताओ तुम्हारे पापा के आंसर लिखने के बाद इसे घर में रख लेंगे? नहीं, मेल करके वापिस मुझे भेज देंगे, सिंपल सी बात है। तो लिखो इन्फोमेंट, लिखो द इन्फोमेंट, इन्फोमेंट मतलब तुम्हारे पापा, द इन्फोमेंट नोट्स, नोट्स का मतलब होता है लिखना, द इन्फोमेंट नोट्स आंसर्स, वो उसमें क्या करता है, वो उसमें आंसर्स नोट्स करता है, मतलब लिखता है, द इन्फोमेंट नोट्स आंसर्स एंड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टिगेटर, नोट्स आंसर्स एंड रिटर्न्स, नोट्स आंसर्स एंड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टिगेटर, और वापस किसको भेज देता है, इन्वेस्टिगेटर को, है ना, रिटर्न्स टू द इन्वेस्टिगेटर। तो देखो इस तरह से ये मेथड काम करता है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, क्वेश्चन पेपर तैयार करो और क्या कर दो, मेल कर दो, बल्कि आजकल तो क्या चल रहा है, व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप कर दो, समझ रहे हो इस चीज को। बताओ कि अब व्हाट्सएप पर 10 घंटे लगेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन पेपर तैयार करो, व्हाट्सएप कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन व्हाट्सएप करना नहीं है, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, मेलिंग मेथड, मेल करना है, वो तो बस मैं एग्जांपल दे रहा था व्हाट्सएप करने का, तभी इसी को ही लिख दो तुम खाने का, है ना, टेस्ट में और पेपर में। अब देखते हैं ये मेलिंग मेथड कहां पर सुटेबल रहता है, मतलब कि हमारी सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी का मतलब होता है कि इस मेथड को कब लगाना ठीक रहेगा, मुझे बताओ। देखो तुम्हें जिस व्यक्ति से जानकारी चाहिए थी, जिस व्यक्ति, मान लो मैं तुम्हारे पापा के बारे में जानना चाहता था, और तुम्हारे पापा दूसरी गली में रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, दूसरी गली में, मतलब बहुत पास, कहां पे रहते हैं, बहुत पास, क्या मैं मेल करूंगा, बताओ कैसी बात कर दी। इतने पास में अगर किसी का घर है, तो अगर मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, तो क्या मैं मेल करूंगा, नहीं, मेल तब करते हैं जब एरिया लार्ज होता है। किसी व्यक्ति को मेल कब करते हैं, मेल तब करते हैं जब डिस्टेंस काफी दूर होता है और डिस्टेंस काफी बड़ा होता है, तब मेल करना बढ़िया रहता है। तो पहली सुटेबिलिटी इसकी यही है, स्मॉल ए करके लिखो, द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, द इन्वेस्टिगेशन एरिया, मतलब एरिया बहुत बड़ा था, हमारे बस की नहीं था जगह जगह जाना, इसलिए हमने क्या कर दिया, मेल कर दिया, द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, है ना, एरिया बहुत ही बड़ा था। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने मेल करा, मेल करने के बाद तुम्हारे पापा को मैंने भेजा, मान लो, बुरा मत मानना, एक बात बोलने वाला हूं मैं, कभी दिल पे ले लो, है ना, बस मुझे अपना एग्जांपल समझाना है। मान लो मैंने तुम्हारे पापा को मेल करा, अब मान लो किसी के पापा पढ़े लिखे नहीं है, मेल वगैरह उन्हें पता नहीं चलता है, कैसे मेल को देखा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को पढ़कर उनका आंसर लिखा जाता है, जरूरी थोड़ी ना है हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। बताओ ये मेथड अगर तुम किसी अनपढ़ को मेल करोगे, जो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वहां पर ये मेथड काम आ पाएगा, क्या अनएजुकेटेड लोगों के साथ ये मेथड काम आ सकता है, नहीं आ सकता। ये मेथड वहीं पर सुटेबल रहता है, इस मेथड की तभी सुटेबिलिटी रहती है जब सामने वाला बंदा कैसा होगा, मेरी तरह एजुकेटेड होगा, तुम्हारी तरह एजुकेटेड होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को, अनएजुकेटेड लोगों के साथ ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरी सुटेबिलिटी लिखो, लिखो द इन्फोमेंट्स, इन्फोमेंट्स मतलब जानकारी देने वाले लोग, मतलब कि तुम्हारे पापा, ये जो मैं बार बार पापा बोल रहा हूं ना, ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं बस, है ना, बुरा मत मानना, द इन्फोमेंट्स आर एजुकेटेड, तो जवाब देने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसे इंटरनेट चलाना आना चाहिए, उसे मेल करना आना चाहिए, उसे लिखना पढ़ना आना चाहिए। ना तो लिखना पढ़ना आता, ना इंटरनेट चलाना आता, ना मेल करना आता, तो बताओ उस व्यक्ति को पता चलेगा इस मेथड के बारे में, नहीं, वहां पर ये मेथड काम नहीं आने वाला। तो अब हम इसके कुछ फायदे देखेंगे, मेरिट्स, मेरिट्स में लिखो, नंबर वन पहला फायदा, मुझे एक चीज बताना, मैं जानकारी लेना चाहता था और किसके बारे में लेना चाहता था, तुम्हारे पापा के बारे में, मैंने डायरेक्टली मेल किसको करा, तुम्हारे पापा को। अब तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन डालेंगे ना उसमें, क्या कोई दूसरा व्यक्ति डालेगा या फिर वो डालेंगे, वही डालेंगे, तो बताओ इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी या नकली मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। बताओ जब वो मुझको जानकारी देंगे अपने बारे में, तो बीच में तो कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं है,
तुम्हारे पापा के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी, क्योंकि उनके बारे में उनसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता। अगर मैं यही इंफॉर्मेशन तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारे चाचा से लूं या किसी और रिश्तेदार से लूं तो बताओ इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन यही इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली तुम्हारे पापा को मेल करूं, इसी इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं डायरेक्टली तुम्हारे पापा को क्या करूं मेल करूं तो बताओ इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देने वाले तुम्हारे पापा हैं और लेने वाला मैं हूं, बीच में कोई नहीं है, तो इंफॉर्मेशन कैसी होती है? ओरिजिनल। ये इसका पहला फायदा है। पहली खासियत क्या है? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है असली, ओरिजिनल का मतलब होता है सही, ओरिजिनल का मतलब होता है बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पापा को मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा और वो अपने बारे में बिल्कुल सही सही बातें मेरे इस मेल में कर देंगे ना। तो इंफॉर्मेशन कैसी निकलती है इस मेथड से? ओरिजिनल निकलती है। तो लिखो, दिस मेथड प्रोवाइड्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, दिस मेथड प्रोवाइड्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलेगी और असली मिलेगी। दिस मेथड प्रोवाइड्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत यह है कि अगर जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है वो बहुत दूर रहता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जहां पर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो वो एरिया बहुत बड़ा है, अब कहां तक जाओगे चल चल कर इतनी गर्मी में? वो भी इतनी गर्मी में कोई व्यक्ति इतना चलता है? छोड़ हटाओ, मेल करो। मतलब कि लार्ज एरिया में ये मेथड बेस्ट होता है ना, कहीं पर भी मेल कर दो। एरिया तो छोड़ो, दूसरे स्टेट तक मेल चला जाएगा, पूरे देश में कहीं पर भी मेल चला जाएगा, बस मेल करने वाले बनो तुम। एक सेकंड में मेल एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है, समझ रहे हो इस चीज को? तो एरिया कितना भी बड़ा हो यह मेथड काम आता है। तो लिखो दूसरा फायदा, लार्ज एरिया। यह मेथड लार्ज एरिया में बहुत सक्सेसफुल होता है, बड़े से बड़े एरिया को कवर कर लेता है। तो लिखो, दिस मेथड इज यूजफुल टू, दिस मेथड इज यूजफुल टू लार्ज इन्वेस्टिगेशन एरिया, दिस मेथड इज यूजफुल टू लार्ज इन्वेस्टिगेशन एरिया, इन्वेस्टिगेशन एरिया। मतलब जब बहुत बड़ा एरिया है जहां पर तुम्हें जानकारी इकट्ठी करनी है, तो इतनी गर्मी में कहां कहां घूमोगे, बीमार पड़ गए तो और दिक्कत है ना, मेल कर दो और छुट्टी पाओ, मेल कर दो और छुट्टी पाओ, ठीक है। तीसरी खासियत लिखो इस मेथड की, तो बताओ मेल करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारा टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे आने जाने में, मेहनत बच जाएगी। तो बताओ ये मेथड इकोनॉमिकल है या नहीं है? ये मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल है, तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, तुम्हारा पैसा भी बच रहा है, तुम्हारी मेहनत भी नहीं लग रही, सिर्फ क्या करना है? मेल करना है, एक मेल ही तो करना है। मेल करने में क्या पैसे लगेंगे? नहीं, उससे तो कम ही लगेंगे जितने की तुम्हें चल चल कर जाना होता लोगों के घरों पर। तो तीसरी खासियत ये होती है, तीसरा फायदा ये होता है कि ये मेथड पूरी तरह से कैसा होता है? इकोनॉमिकल। तो लिखो इकोनॉमिकल के लिए, टाइम की बचत हो जाती है, पैसे की बचत हो जाती है, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो लिखो, दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल एज पर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एज पर टाइम मनी एंड एफर्ट्स, दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल एज पर टाइम मनी एंड एफर्ट्स। मतलब ना तो समय ज्यादा लगता है, ना पैसा ज्यादा लगता है, ना एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब प्रयास, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेल कर देना और काम खत्म। सिर्फ क्या कर देना है? मेल और काम खत्म।